तो हेलो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण इस वीडियो में। जी हाँ, आप चाहे किसी भी क्लास में हो, चाहे क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो या फिर 12th में हो, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको परमाणु मॉडल को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमें पता चलता है कि परमाणु के बारे में कैसे कैसे हमें पता चलता है इसी परमाणु मॉडल से, जो कि आज की इस वीडियो में हम अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। पूरा नोट्स के साथ हम पढ़ेंगे। अगर आप चाहो तो इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे। अब इन सभी को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और आपके लिए इस वीडियो में हम आपको एनिमेशन के थ्रू भी इन तीनों मॉडल को समझाने वाले हैं। ओके, नोट्स में भी समझाएंगे एवं एनिमेशन भी आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों, हर एक मॉडल का। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करते हुए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। और कर देते हैं अपने आज के इस वीडियो को स्टार्ट। तो प्यारे स्टूडेंट, सबसे जो पहला हमारा परमाणु मॉडल होता है, जिससे हमारी परमाणु की खोज की शुरुआत होती है, वो हमारा होता है थॉमसन का परमाणु मॉडल। इन्हीं साइंटिस्ट ने फ्रेंड्स नींव डाला था परमाणु की खोज के लिए। सबसे पहले कई लोग सोचते हैं कि थॉमसन का परमाणु मॉडल बिल्कुल गलत है। देखिए, जी हाँ, उनके बताए गए बातें गलत है, लेकिन उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया है परमाणु मॉडल की खोज में। इन्होंने दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज बताई है, जो कि 1898 में, मान लीजिए 100-150 साल पहले इन्होंने ये मॉडल प्रस्तुत किया। सोचिए, तब इन्होंने बता दिया परमाणु मॉडल हमारा क्या होता है। इन्होंने बताया आकृति के बारे में, कि जो परमाणु होता है उसकी आकृति कैसे होती है। कितने लोगों को इतने इयर्स में पता ही नहीं था परमाणु होता क्या है, लेकिन इन्होंने बताया कि परमाणु का आकार कैसा होता है। फ्रेंड्स, इन्होंने बताया 1898 में जेरोल थॉमसन ने, कि जो परमाणु होता है वह क्या होता है, गोलाकार होता है। भले ही इन्होंने बाकी चीजें गलत बताई, लेकिन इन्होंने एक चीज बता दी कि गोलाकार होता है। उससे बाद हमारे दोस्तों खोज आगे बढ़ी। ओके, इन्होंने बता दिया कि जो परमाणु होता है वह गोलाकार आकृति में होता है, और जिसमें उन्होंने बताया कि जो धनावेश होता है वह समान रूप से वितरित होता है। बस यहां से उन्होंने क्या कर दी दोस्तों, गलत चीजें बता दी, लेकिन इन्होंने यहां तक जो गोलाकार आकृति है ये बिल्कुल सटीक बताया, जिससे खोज आगे बढ़ी। ओके, लेकिन मॉडल में इन्होंने बताया तो हम पढ़ेंगे जरूर। इन्होंने और क्या बताया, धनावेश हमारा समान रूप से वितरित होता है। इस तरह आपका परमाणु होता है जिसमें धनावेश आपका क्या होगा दोस्तों, वितरित होगा, फैला होगा, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन तब क्या कर रहे हैं। सर देखिए, धनावेश है तो हमारा उसको उदासीन करने के लिए इलेक्ट्रॉन हमारे रहते हैं, जिस आप लिख सकते हो जिसमें बीच बीच में हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं, जो हमारे जो धनावेश पूरा फैला हुआ है फ्रेंड्स, उसको उदासीन कर देते हैं दोस्तों। जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर फैला होगा उतना ही दोस्तों इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, धसे होते हैं, जिससे पूरा का पूरा हमारा परमाणु क्या हो जाता है फ्रेंड्स, उदासीन हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, और आपको इस मॉडल को देखकर तरबूज की भी याद आ रही होगी, क्योंकि तरबूज में भी इसी तरह हमारे होता है तरबूज, और उसमें क्या होते हैं, बीच बीच में बीए धसे होते हैं, जो हमारे बीज होते हैं वो धसे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन धसे हुए। तो इसकी मॉडल की तुलना हमारी किससे की जा रही है, तरबूज से की गई, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, थॉमसन का तरबूज मॉडल भी कहते हैं। तो ये एक सिंपल सा हमारा परमाणु मॉडल था थॉमसन का पहला। उसके बाद हमारा दोस्तों शुरू होता है क्या, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ओके, रदरफोर्ड भाई साहब हमारे आते हैं और वो कहानी को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि कई सारी चीज गलत चीजें उन्होंने बताई थी थॉमसन जी ने, तो उसको बिल्कुल सही करके जो जो हमारी सही चीजें हैं वो रदरफोर्ड बताते हैं, लेकिन इनके मॉडल में भी कुछ कमी निकल आती है, हम देखने वाले बारी बारी तरह से। ओके, तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में क्या किया, अपना मॉडल प्रस्तुत किया। ओके, इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया, प्रयोग किया, और प्रयोग में दोस्तों एक निष्कर्ष निकाला, और उसी निष्कर्ष को यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, और जिसे ही हम क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बोलते हैं। ओके, और सर्वप्रथम समझना यह है कि इन्होंने क्या प्रयोग किया, ऐसा क्या कारनामा किया फ्रेंड्स, जिससे इन्होंने पता चल गया कि थॉमसन भाई साहब कहाँ गलत बता रहे हैं। उन्होंने क्या प्रयोग किया ये देख लेते हैं एक सेकंड में। देखिए, उन्होंने क्या किया, अल्फा कण की बमबारी की। कैसे अल्फा कण की बमबारी की, एक इन्होंने क्या कर लिया, एक सोर्स ले लिया जिससे हमारा क्या होता है, अल्फा कण दोस्तों आपका निकलता है। अब ये जो अल्फा कण निकल रहा है दोस्तों, यहाँ से कई तरह से कई सारे अल्फा कण निकल रहे भाई, कई सारे हमारे अल्फा कण यहाँ से निकल रहे फ्रेंड। अब क्या हुआ, अल्फा कण यहाँ पर इससे टकराते। अब ये क्या चीज है सर, देखिए जो ये होता है, ये इन्होंने रखा था क्या, स्वर्ण पत्र रखा था दोस्तों, पतला दोस्तों स्वर्ण पत्र था, मेटल का दोस्तों होता है, आप सभी जानते हो
सोने का एक पतला सा, बहुत ही कह सकते हो कि मिलीमीटर में उसकी चौड़ाई लंबाई होगी, वो इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ था। ओके, तो यहाँ से अल्फा कण उस पर टकरा रहा था, तो हो क्या रहा था ना कि कुछ अल्फा कण यहाँ पे कई सारे आ रहे थे, तो कुछ अल्फा कण क्या हो रहे थे, टकरा के ऐसे निकल जा रहे थे, कुछ ऐसे तिरछा निकल जा रहे थे, कुछ सीधा निकल जा रहे थे, कुछ तिरछा निकल जा रहे थे, कुछ इस तरह सीधा निकल जा रहे थे, यानी आर पार चले जा रहे थे कुछ अल्फा कण। लेकिन एकाक एक या बोल सकते 20,000 में से कह सकते हो एक अल्फा कण यहाँ पर होता क्या है ना, टकरा कर क्या होता है, वापस घूम जाता है दोस्तों, टकराकर घूम जाता है फ्रेंड्स, एक अल्फा कण 20,000 में से, समझिए। तो यहां पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, जरूर बीच में यहां पर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे टकराकर ये अल्फा कण 20,000 में से एक अल्फा कण हमारा घूम गया है, लेकिन बाकी सारे अल्फा कण इस तरह निकल गए हैं। जिससे यहां पर अगर हम कैसे आपको दिखाएं तो कई सारे अल्फा कण यहां पर आ रहे हैं फ्रेंड्स, यहां पर कई सारे अल्फा कण यहां से आपके आ रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, लेकिन इस अल्फा कण जितने सारे आ रहे इसमें से देख रहे हैं ना, कई सारे अल्फा कण इस तरह गए और इस तरह निकल गए, गए निकल गए बाहर, गए निकल गए बाहर दोस्तों, सीधे कई तिरछे घूम जा रहे। लेकिन यहाँ पर कुछ एक ही अल्फा कण ऐसा है दोस्तों जो कि हमारा गया है और वापस घूमकर आ गया है दोस्तों, इधर की ओर, जिधर गया है वापस घूम के इधर आ गया है। तो ये दोस्तों अल्फा कण जहां पर टकराया है, तो उन्होंने इससे यह निष्कर्ष निकाला कि जरूर बीच में कुछ होगा, बीच में कुछ भारी चीज होगा जिससे टकरा करके अल्फा कण आ गया है, अगल बगल जरूर खाली चीजें हैं, अगल बगल कुछ है ही नहीं, बिल्कुल खाली है, तभी ये अल्फा कण क्या हो जा रहे, आर पार चले जा रहे हैं, लेकिन बीच में लग रहा है कुछ हमारा ठोस चीज है जिससे टकरा करके अल्फा कण आ गया है। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व कर लिया दोस्तों कि नहीं, हमारा बीच में क्या है दोस्तों, परमाणु का पूरा भार है, अगर बगल जो परमाणु का भाग होता है वह खाली होता है, लेकिन बीच में ही क्या होता है, परमाणु का भाग भरा होता है, बीच में ही कह सकते हो दोस्तों संपूर्ण ब्रह्मांड हमारा होता है दोस्तों, जिसे आप क्या, जिसे नाम उन्होंने क्या दे दिया, नाभिक का नाम दे दिया। और उन्होंने यह कहा कि इसी नाभिक में आपका क्या है, प्रोटॉन है भाई साहब, प्रोटॉन है, इस नाभिक को छोड़कर अगल बगल जो परमाणु का भाग है फ्रेंड्स वह सभी क्या है, रिक्त है, क्योंकि वहां पर अल्फा कण सीधे निकल गया है, कुछ था ही नहीं, इसलिए वो क्या हुआ, इस तरह विक्षेपित नहीं हुआ। ओके, तो ये दो पॉइंट उन्होंने यहाँ एक्सपेरिमेंट से ये चीज उन्होंने बताई, बहुत ही महत्वपूर्ण। इससे हमें क्या पता चला ना कि परमाणु के बीच में क्या होता है, बिल्कुल केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है, समझ लीजिए। रदरफोर्ड के मॉडल से हमें पता चला कि नाभिक हमारा क्या होता है, बिल्कुल केंद्र में होता है, और थॉमसन के परमाणु से मालूम चला कि जो हमारा परमाणु होता है वह गोल होता है, और कई सारी बातें इन्होंने बताई दोस्तों इस अपने मॉडल में कि दोस्तों भिन्न भिन्न तत्व, अलग अलग तत्वों के लिए उनके परमाणु के नाभिक में दोस्तों भिन्न भिन्न नाभिकीय आवेश होता है। जैसे आप सभी जानते हो, अगर हाइड्रोजन हमें लिया तो हाइड्रोजन के नाभिक में क्या होते हैं, एक प्रोटॉन का आवेश होता है, लेकिन अगर वही सोडियम ले लोगे फ्रेंड्स, उसमें 11 प्रोटॉन का आवेश होगा नाभिक में फ्रेंड्स। ओके, तो अलग अलग तत्वों के परमाणु के नाभिक में क्या होता है, अलग अलग नाभिकीय आवेश होता है, यानी प्रोटॉनों का आवेश होता है अलग अलग तत्वों के लिए। और जो पॉइंट उन्होंने बताया यहाँ पर, नाभिक के चारों ओर आपका क्या होता है, स्थिर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं। जब ये उन्होंने कैसे पता लगाया या देख लिया फ्रेंड्स कि जो हमारा प्रोटॉन होता है वह कहाँ होता है, नाभिक में होता है, हाँ नाभिक में होता है, तो इन्होंने यह सोच लिया, इन्होंने यह समझ लिया कि अगर प्रोटॉन नाभिक में तो जरूर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसके चारों तरफ होंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन हमारे इसके चारों तरफ होंगे, इन्होंने इस चीज से यह पता लगाया। तो ये इन्होंने पॉइंट यहाँ पर उन्होंने बताया है कि नाभिक के चारों ओर हमारे सिरावेशित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, घिरे होते हैं हमारे, और यही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चुपचाप घिरे, चुपचाप चारों तरफ नहीं होते, ये स्थिर नहीं होते, बल्कि ये क्या होते हैं, नाभिक के चारों ओर हमारे वृत्ताकार पक्ष में, जिसे कक्षा भी बोल सकते हो फ्रेंड्स, उसमें घूमते रहते हैं चारों तरफ, इस तरह चक्कर लगाते होते हैं। अगर ये नाभिक है तो उसके चारों ओर आपके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस तरह चक्कर लगाते रहते हैं फ्रेंड्स। ओके, और एक यहाँ पर लास्ट पॉइंट इन्होंने बताया, छठवां बोल सकते हो, कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वह प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्रेंड्स। ये आप इन्होंने ही बताया था फ्रेंड्स, जो कि हमें पता भी है पहले से ही। तो ये सारी बातें बताई रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण ये था कि उन्होंने जब अल्फा कण उन्होंने बमबारी की, तो उन्होंने देखा कि कई सारे अल्फा कण क्या हो, कई सारे अल्फा कण इस तरह सीधे निकल जा रहे थे, कुछ इस तरह बाहर की ओर आर पार हो जा रहे थे। इसका मतलब जो परमाणु का जो अधिकांश भाग है सारा, ये सारा चारों तरफ ये सभी खाली है, रिक्त है, लेकिन बिल्कुल बीचों बीच में हो क्या रहा है कि अल्फा कण एक जा रहा है और घूम कर वापस आ जा रहा है, यानी कि बीच में कोई ठोस चीज है जिससे हमारा अल्फा कण भी अचंभित, यानी कि टकराकर आ जा रहा है, घूम जा रहा है वापस अपनी जगह पर।
तो अर्थार्थ जो परमाणु की संपूर्ण जो द्रव्यमान है हमारा क्या होता है, केंद्र में ही उपस्थित होता है। जिस अर्थार्थ जो केंद्र है वो हमारा क्या है, नाभिक होता है, और उस नाभिक में ही हमारा क्या है, तब हमारा प्रोटॉन होता है जिसे धनावेशी चार्ज होता है जिस पर। ओके, और सभी विभिन्न अगर तत्व है, अलग अलग तत्व है, उन सभी तत्वों के लिए दोस्तों अलग अलग नाभिक की आवेश होगा। जैसे हाइड्रोजन में दोस्तों एक ही प्रोटॉन का आवेश होता है नाभिक में, सोडियम के लिए देखे तो 11 प्रोटॉन का आवेश होता है, और नाभिक के चारों ओर हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि अगर प्रोटॉन हमारे जब नाभिक में है तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, परमाणु के नाभिक के चारों ओर होंगे, और वे सभी इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, एक कक्षा में क्या होती है, वृत्ति पथ जिसे कक्षा बोलते हैं फ्रेंड्स, उसमें घूमते रहते हैं चारों तरफ फ्रेंड्स। ओके, और बात करें, इन्होंने एक और बात बताई कि जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन एवं जो प्रोटॉन होते हैं उनकी संख्या बराबर होती है। अब एकाग दोष इसकी महत्वपूर्ण है नहीं उतना, लेकिन आप देख लीजिए, आपको पता होना चाहिए इन्होंने दोष क्या था इनके परमाणु मॉडल में, कि इन्होंने जो बताया कि इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या क्या है, बराबर है, लेकिन ये बता नहीं पाए कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो हमारे क्या, और एक कक्षा में घूम रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूम रहे हैं भाई, हमारा ये नाभिक है, इसके चारों ओर तो कई सारी कक्षाएं होती है भाई, इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है, दो है, चार है, पांच है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इनकी संख्या नहीं बता पाए, इनकी संख्या की व्याख्या नहीं कर पाए, ये सभी चीजें, बाकी चीजें नहीं बता पाए। इस इलेक्ट्रॉन का दोस्तों कोणीय संवेग कितना है, किस कोणीय संवेग से ये चारों तरफ घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या है, इस इलेक्ट्रॉन का वेग क्या है, कई सारी चीजें नहीं बता पाए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जो चारों तरफ बस घूम रहा है ये कहकर चले गए मॉडल में। ओके, तो ये इनके दोस्त हैं यहाँ पर, जो कि संपूर्ण करता है कौन, बोर का परमाणु मॉडल। ओके, जो कि सबसे महत्वपूर्ण, मिस मत करिएगा, यहाँ बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, जो बोर का परमाणु मॉडल का जो वीडियो है वो हम आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर इस वीडियो पे रुके रहिए, 20 सेकंड के अंदर में वो वीडियो आपको स्क्रीन पर शो करेगी बोर के परमाणु मॉडल की। ये वीडियो इतनी लंबी हम रखते हैं, ज्यादा लंबी नहीं रखते हैं। ओके, तो बोर परमाणु मॉडल की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं उसे, तो आपको जस्ट अभी 20 सेकंड में आपको स्क्रीन पर वो वीडियो शो करेगी। तो इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको समझ में आया हो सब कुछ, हमारे एनिमेशन हमारे अच्छी तरीके से, तो प्लीज इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें, और दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि वो भी, उनके तक भी हमारी वीडियोस पहुंचे और वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। ओके, तो बस हमारी यही इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अच्छे से सारी चीजों को, कॉन्सेप्ट को सीखे इन इजी वे। तो आई होप आपने वीडियो को लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन पर भी क्लिक जरूर करें, ताकि ऐसे आने वाले वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। ओके, तो आप मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एवं आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।